हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्या खाना है हम लोगों को? आज हम लोग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट में मिलने वाला मलाई कोफ्ता बनाने जा रहे हैं, और देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए हम लोग को। सबसे पहले मैंने दो प्याज लिए मीडियम साइज़ की, उसको मोटा मोटा कट कर लिया है, और 10-12 काजू है, क्योंकि मलाई कोफ्ता है शाही डिश इसलिए इसमें काजू पड़ना है, और 6-7 कलियाँ लहसुन की हैं, और छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का है, और 4 हरी मिर्च है। और जाहिर सी बात है मलाई कोफ्ता है तो पनीर लाजमी है इसके लिए। पनीर है 1/2 किलो, 2-3 छोटे आलू लिए मैंने, और थोड़ा सा मैदा। मैदे का यूज़ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैदा है। अब एक पैन मैंने चढ़ाया है जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप भरकर पानी, काजू, इसमें हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन, और ये जो प्याज मैंने कट करके रखी है इसको डाल के 5 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देखिए मैंने पनीर लिया हुआ है, जो अभी 1/2 किलो पनीर मैंने दिखाया था वही पनीर है। इसको बहुत ही अच्छे से मैश करना है, तो हाथ के इस वाले हिस्से से दबा दबा के हम लोग मैश करेंगे इस तरह से, ताकि इसके सारे एकदम बिल्कुल पनीर में रवा जो रहता है मोटा मोटा वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और एकदम अच्छे से कोफ्तों के अंदर बॉल बनाने के बाद भरने के लिए हमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है, जिसे हम कोई भी ड्राई फ्रूट, हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि उसमें सोंधापन आ जाए, कच्चापन उसका निकल जाए। रोस्ट करके हल्का सा 2-4 टुकड़े में उसको, या तो अब ये पनीर देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें जो मैंने दो तीन छोटे छोटे आलू रखे थे, उन आलू को भी मैश करके इसे मिलाने जा रही हूँ, और पनीर और आलू दोनों में मॉइस्चर है, तो इसलिए उसका मॉइस्चर कम करने के लिए, ताकि बॉल्स टूटे ना, मैं 2 चम्मच इसमें मैदा डालूंगी। मैदे से सॉफ्ट भी रहता है, और कॉर्नफ्लोर अगर डालेंगे तो थोड़ा कुरकुरा होने लगेगा, इसलिए मैदा ही हम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हर खाने का, आप अपने जितना बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे हम, 1/2 चम्मच से भी कम मैंने काली मिर्च डाला है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, पनीर, आलू और मैदा, बहुत ही अच्छे से सब आपस में मिक्स हो जाए। ताकि अब ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छा एक डो की तरह बन के तैयार हो चुका है, जिससे हम लोग बनाएंगे बड़े बड़े मलाई कोफ्ते के बोल्स। अब ये जो मैंने प्याज, काजू, हरी मिर्च को उबाला था, पकाया था 5 मिनट तक, अब ये मेरा पक चुका है, इसे मैं जा रही हूँ अब पीसने, पीस के ग्रेवी के लिए इसके रखने। अब ये देखिए जो मैंने रोस्ट किया था ड्राई फ्रूट को, उसको मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा हो गया, इतना नहीं करिएगा आप, टुकड़ों में तोड़ना रहता है इसको, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो मैंने पनीर और मैदा और आलू मिक्स करके रखा हुआ है, उसी में से थोड़ा सा निकाल लेंगे, और इस मेवे में अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शक्कर और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि सारे ड्राई फ्रूट, शक्कर और पनीर अच्छे से इसमें सब मिक्स हो जाए। अब इनकी हम लोग छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये कोफ्तों के अंदर ये गोली भरनी है, इसलिए बहुत छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे हम लोग, इतनी छोटी छोटी। अब ये हम लोग बनाएंगे कोफ्ते के लिए बोल्ट, इतना बड़ा सा मैंने लिया है बनाने के लिए गोला। अब इसको जो है बीच में से ऐसे दबा देंगे हाथ से इसका, दबा देंगे, और इसके अंदर ये जो मैंने बना के रखे हुए हैं
जो मसाले मेवे और शक्कर डाल के जो बनाया उसको अंदर ऐसे भर देंगे और ऐसे बंद कर देंगे इसको हम लोग, और फिर अच्छा सा गोल गोल शेप इसको दे देंगे। इसी तरह मैं सारे गोलों को ऐसे बना लूँगी। सारे बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन बॉल्स को तलने के पहले ज़रा सा बस मैदे में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे लपेट दूंगी ताकि टूटे नहीं तलने पे। बस हल्का सा ऐसे झाड़ दीजिए ताकि ज़्यादा ना लगा रहे। बस ऐसे हल्का सा एक एक बार लपेट के ऐसे झाड़ दीजिए। अब ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है मेरा। अब इसमें मैं सारे बॉल्स को डालूंगी धीमे धीमे। बहुत आराम से इसको फ्राई करना है क्योंकि पनीर है, टूटे ना। आराम से धीरे धीरे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। ऐसे हल्के हल्के हिला दीजिए, चाहे आप कोई चम्मच से हिला दीजिए चाहे ऐसे हिला दीजिए, आपको जैसे इजी लगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसी तरह मैंने फ्लेम को ना बिल्कुल स्लो रखा है ना बहुत हाई है, मीडियम मीडियम हाई जिसको कहते हैं वैसे है। प्यारे कलर का मेरे सारा बॉल्स जो है कोफ्ते सारे मेरे तल चुके हैं, बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। एक ये देखिए सारे मेरे बॉल्स तल के रेडी हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने की बारी आई है। तो एक पैन में मैंने तेल डाला है थोड़ा सा, वो भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाले, दो छोटी इलायची और आधा चम्मच ज़ीरा। ज़्यादा मसालों को नहीं डालते हैं इसमें, आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, दो छोटी इलायची। अब ये जो मैंने पीस के रखा था प्याज काजू और हरी मिर्च वाला मसाला, इसको डाल देंगे हम। अब इसको लगातार अच्छे से चलाना है, चलाते हुए हमें इसका पानी सुखाना है, बिल्कुल सुखा के भून देना है। इसमें हम लोग अब डालेंगे मसालों को, जो कि है नमक। ग्रेवी के लिए मसाला बना रहे हैं इसलिए नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से हम लोग सुखा देंगे। सुखाते हुए चलाएंगे हम लोग अच्छे से। अभी इस भुनने के टाइम पे हम लोग इसमें, क्योंकि टमाटर नहीं डाल रहे हैं, ग्रेवी वाइट बनानी है इसलिए मैं आधी कटोरी से भी कम दही डालूंगी इसको, मैं अच्छे से फेंट कर फेटा हुआ दही डालूंगी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका शक्कर, दो चम्मच शक्कर इसमें डालेंगे हम लोग। जितना मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से दो चम्मच डाला है मैंने। मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें तेल छोड़ दिया, मसाले में तेल छोड़ा हुआ है। तो अब ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है मेरा मसाला भूनकर। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला लास्ट में डालने से खुशबू अच्छी रहती है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जिसको कहेंगे क्रीम। चूंकि अभी मेरी ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी दूध ग्रेवी को ढीला करने के लिए। दूध डालना ही ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसमें हम लोग अपने धीमे धीमे सारे बॉल्स अब हम इसमें धीमे धीमे, देखिए कितने अच्छे सारे बॉल्स, ये देखिए सब अच्छे से मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको 2 मिनट ग्रेवी में हम लोग रहने देंगे ताकि
सारे कोफ्ते के अंदर ये ग्रेवी का टेक्सचर चला जाए। अब इसमें हम लोग ऊपर से लास्ट में इसको कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ के और इसमें डाल देंगे। आप भी बनाइए इस रेसिपी के साथ और बताइए कि कैसा लगा आपको।